देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से अच्छी खबर नहीं है। मुंबई का एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो बातें हैं वो जोरों पर चल रही हैं। मुंबई की जो एयर क्वालिटी है वो हर रोज गिरती जा रही है। आलम तो ये है कि अब हम पुअर कैटेगरी में आ गए हैं और दिसंबर माह से ही मुंबई का यही हाल है। आलम, अब ये है कि मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है अगर इसी तरीके के हालात चलते रहे तो फिर एल्डरली लोगों को, बच्चों को और कोमॉर्बिड लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सुबह सुबह मुंबई के सबर्बन इलाके माटुंगा में मैं आया हूं और यहां पर मॉर्निंग वॉक के लिए तमाम जो लोग आए हैं मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूं। आपसे मैं जानना चाहता हूं, आप तो मॉर्निंग वॉक करते हैं, कितना फर्क आपको नजर आ रहा है मुंबई की आबो हवा में, और जबकि हमारी एयर क्वालिटी पुअर हो गई है तो आपके लिए कितना चिंता का विषय है? सर, चिंता तो डेफिनेटली है ही है। आपको प्योर एयर नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा? तो मैंने इसलिए आपको बुलाना कि मेरे घर में मैंने एयर प्यूरिफायर डाल दिया है। हाँ। लेकिन कैन नॉट अफोर्ड दिस नो टू कीप दिस एयर प्यूरिफायर। और आपको डॉक्टर ने भी कुछ बोला है कि आपको मॉर्निंग वॉक के लिए, आपके हेल्थ को देखते हुए? यस। अब माटुंगा इलाके में इतना ज्यादा प्रदूषण हो चुका है, पिछले सालों में इतना ज्यादा बड़ा है, कंसर्न सिटीजन्स ने बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को कई बार लिखा भी है। बीएमसी की तरफ से आम जनता को क्या जवाब मिलता है? सर आप ही बताइए, आपने तो काफी खत लिखे हैं बीएमसी को। नो रिप्लाई फ्रॉम एनीबडी। पर्सनल भी जाओ तो बोलेंगे कि अरे हाँ ठीक है कर देंगे, कौन सा एरिया है कर देंगे। सर ये कर देंगे क्या चक्कर में, आज हालत देखिए मुंबई की हवा की क्या हो गई है। सर बट व्हाट डू वी डू, यू कांट टीच देम नो। ये लोग अपनी सुनने वाले तो है ही नहीं, अपनी सुने तो अपन आगे कुछ बात करें ना। मैं तो चिट्ठी भी लिखा है, ऑफिशियल चिट्ठी लिखा है, कोई जवाब नहीं है। हम लोग के उधर तो मॉस्किटोज भी इतने बढ़ गए हैं और ये पोल्यूशन सब कुछ है। आप बताइए सर, मेडिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं एल्डरली लोगों को तो और ज्यादा भी चिंता है, अगर आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है फिर तो और ज्यादा मुसीबत है, क्या सोचते हैं आप? अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, अभी तक तो हम लोग डेली आते हैं मॉर्निंग में तो हेल्थ इम्प्रूव रहता है, कि आगे देखते हैं। आप बताइए, चलिए आप बताइए। दिस रीडेवलपमेंट लेफ्ट राइट एंड सेंटर इन माटुंगा, इट इज एडिंग टू द एयर लेवल पोल्यूशन टू अ वेरी हाई एंड इट अफेक्ट्स अवर, इट डज अफेक्ट योर ब्रीदिंग। यस यस, एंड इट हैपेंस यू नो बिकॉज ऑफ the dust and the air pollution. आपको लगता है कि हमारी सिविक बॉडी बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस कुछ एफर्ट्स डाल रही है ग्राउंड जीरो पे, कि जबकि हमारी हवा इतनी पुअर कैटेगरी में हो गई है, आपने देखा है कुछ एफर्ट्स डालते हुए बीएमसी को? मैं तो आई विल नॉट फील नेवर, मैं तो ऐसा ही सब चलता है, ऐसा ही चलने दो, सब जगह ऐसा है। क्योंकि बीएमसी कह रही है कि उसको तो पता है सब जगह क्या हो रहा है, वो अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाल रही है। जहां जहां पर धूल मिट्टी होती है सड़कों में पानी का वहां पर छिड़काव किया जाता है, कई बार उसने जहां पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है सबर्ब्स ने उसको रोक भी दिया है। नहीं, आपको नहीं, कुछ दिख रहा है? नहीं नहीं नहीं, कोई कोई किधर भी नहीं है। अच्छा, इसकी ये डस्टिंग, इतना एयर पॉल्यूशन की वजह से आजकल खांसी एकदम हो रही है सबको, खांसी हो रही है, सर्दी हो रही है, कोई मतलब सुबह सुबह तो अपने को फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए तो मिलता नहीं है। आलम यह कि डॉक्टर्स तो अब कह रहे हैं कि मास्क पहन लेना चाहिए जिसको प्रॉब्लम हो रही है सुबह शाम जाने के लिए। वो बोल रहे हैं, लेकिन वो फिर उसका मतलब नहीं होता है, जो ब्रीदिंग लेना होता है वो नहीं होता है, फ्रेश एयर नहीं मिलता है अपने को, फिर फ्लुएंटली नहीं अपन ले सकते एयर। हमारी सिविक बॉडी जिसको जो काम करना चाहिए उसकी जिम्मेदारी है, आपको नहीं लगता कि वो निभा रही है? डेफिनेटली दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ सिटीजन्स, पर्टिकुलरली सीनियर सिटीजन्स। अपनी जिम्मेदारी निभा रही है? नहीं नहीं नहीं, जीरो, नो वेयर, यू डोंट फाइंड। अच्छी खबर नहीं है अगर सीनियर सिटीजन्स, मुंबई के पढ़ी लिखी जनता अगर कह रही है कि मुंबई की सिविक बॉडी यानी बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अपनी जिम्मेदारियों में इस वक्त जीरो है। अफसरान इस बात पर ध्यान दें। एक योगा टीचर भी है मेरे साथ, यहाँ सुबह सुबह आई है। हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम। हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी कुछ तो सजेस्ट करिए ना, अभी योगा टीचर है आप, क्या करें आम जनता? सीनियर सिटीजन कह रहे हैं सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, मास्क पहनेंगे फिर भी सांस नहीं लिया जाता है, क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूंगी कि योगा तो डेली करना चाहिए, क्योंकि ये वातावरण से हम यूज टू हो गए हैं और रहने ही वाला है। पोल्यूशन के हम यूज टू ही हो गए, पोल्यूशन में जीना है हमें, जीना ही है हमें, तो हमें खुद की ध्यान हमें ही रखनी है। ये कंस्ट्रक्शन, ये
सब ट्रैफिक इतना है, वॉइस पॉल्यूशन भी इतना हो गया है। पीछे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है, ठीक है, आजू बाजू सड़कों पे इतना ज्यादा ट्रैफिक है, ये देखिए गाड़ियां भी जा रही है, नॉइस पॉल्यूशन भी है, और देखिए कितनी हैरत की बात है। सिटीजन कह रहे हैं कि अब इस पोल्यूशन में हमें रहने की आदत बना लेनी चाहिए, यही हो गया है, यही हो गया है। एक्चुअली क्या कर सकते हैं हम, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, इसीलिए गवर्नमेंट को कुछ रूल्स लाना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए ना। सरकार कह रही है, बीएमसी कह रही है कि हम सब कर रहे हैं, कुछ दिख रहा तो दिखता तो दिखना तो चाहिए ना, करते हैं तो दिखना तो चाहिए ना। हम लोग लेटर को लेटर में देने को तैयार है, काम पेपर पे ही हो रहा है। बराबर यार, यहाँ पे एक मिस्टेक, सब हम जब वॉक करते हैं मैं देखती हूँ तो सब लोग ऐसे समझते हैं कि योगा करना चाहिए हो तो ये ऐसे पॉल्यूशन में भी प्राणायाम करते हैं जो नहीं करना चाहिए। अच्छा, ऐसे पॉल्यूशन में नहीं करना चाहिए क्योंकि डीप ब्रीदिंग यही आप पॉल्यूशन और ज्यादा ले रहे हो बॉडी में, तो प्राणायाम का प्रिंसिपल ही यही है ना, शुद्ध वातावरण में करो। अच्छा। तो एटलीस्ट इसमें यहाँ पे ऐसे मिट्टी है यहाँ पे सब, किस समय करना चाहिए, सुबह सुबह जो पॉल्यूशन सुबह सुबह का सवाल नहीं है, आप जहाँ क्लीन है, क्लियर कहाँ है मैडम, कहीं भी तो नहीं है, घर में आप घर में करो या फिर आप आउटस्कर्ट में जाते हो तब तो आप पूरा फायदा लो। साल में कभी कभी जाओ, रिजुनेट करो बॉडी को, तो ट्रैफिक में चलिए एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, सर आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप तो सब लोग अर्ली मॉर्निंग वॉकर्स हैं, आपकी मॉर्निंग वॉक की टाइमिंग आपने को चेंज करी है, क्योंकि मैं हेल्थ एक्सपर्ट से कह रहा था तो बोल रहे थे सुबह सुबह की और शाम में हवा का में जो कंसंट्रेशन है पोल्यूटेंट्स का शायद हैवी रहेगा, प्रॉब्लम हो सकती है, आपने अपने कुछ समय में कुछ बदलाव किया है वॉकिंग का? हाँ, हमने जो पहले 6:30 से 7 बजे आते थे उसका बदले अभी 7:30 को आ रहे हैं, क्योंकि सनराइज हो जाता है तो फिर पोल्यूशन लेवल थोड़ा एयर थोड़ा ये रहता है, ठीक रहता है, तो दिक्कत कम रहती है। मतलब ये पोल्यूशन लेवल गिर रहा है, हम पुअर क्वालिटी में आ गए हैं, ये एक वास्तविकता है, दिस इज अ रियलिटी, ये सिर्फ पेपर की बातें नहीं है या कहना ये अंकों की बातें नहीं है, ये वो चीजें हैं जो आम जनता सीनियर सिटीजन्स महसूस कर रहे हैं और बीएमसी से दरख्वास्त भी कर रहे हैं कि एज अ सिविक बॉडी बीएमसी अपनी जिम्मेदारियों को समझे, एल्डरली सिटीजन्स हो, बच्चे हो, आम नागरिक हो, वो अपनी सिविक बॉडी से कुछ उम्मीदें करता है कि वो अपनी उम्मीदों का निर्वाह करे। समझो रिटायर्ड पर्सन है तो हम लोग 7:30 चेंज कर सकते हैं, जो जिसको काम पे जाने को बेचारा कहां से, वो तो 6:30 पे आना ही पड़ेगा, मजबूरी है, हर जगह मुसीबत है, लेकिन दुर्भाग्य है कि अगर आम जनता कह रही है कि अब पॉल्यूशन तो एक नॉर्मल चीज हो गई है, शायद इसी के साथ हमें जीना पड़ेगा, बीएमसी ध्यान दे, क्योंकि तमाम सीनियर सिटीजन्स कह रहे हैं कि फिलहाल तो सिविक बॉडी का जो रिस्पांस है वो जीरो नजर आता है, हालात बदलने चाहिए। कैमरा पर्सन साहिल चौहान के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक।